बी टाउन के कई सितारों ने अपनी लाइफ में एक ऐसा मोड़ देखा जहां उन्होंने स्मोकिंग को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में अब शाहरुख खान का नाम भी शामिल हो गया है। शाहिद कपूर और रणबीर कपूर की तरह ही उन्होंने भी सिगरेट को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया है। हाल ही में एक इवेंट में किंग खान ने बताया कि आखिर उन्होंने सिगरेट छोड़ने का फैसला क्यों लिया। शाहरुख का 59वां जन्मदिन 2 नवंबर को था और इस बार उन्होंने अपने बंगले मन्नत से फैंस को मिलने का प्लान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक खास इवेंट रखा जहां उन्होंने अपने चाहने वालों से मुलाकात की और दिल की बात शेयर की। इस इवेंट में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पूरे 30 साल बाद सिगरेट छोड़ दी है। इवेंट में शाहरुख ने कहा, दोस्तों मैं अब स्मोकिंग नहीं करता हूं। मुझे लगता है मुझे सांस की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब थोड़ी बहुत हो रही है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। उनके इस बयान से यही अंदाजा होता है शायद उन्होंने सांस की प्रॉब्लम की वजह से स्मोकिंग छोड़ी है। शाहरुख के इस फैसले के बाद एक फैन ने भी कहा कि वो भी उनकी तरह सिगरेट छोड़ देंगे। इस पर शाहरुख ने जवाब दिया कि वो कोई रोल मॉडल नहीं है, इसलिए जो वो करना चाहते हैं वो वही करे। फिर उन्होंने सभी से कहा, स्मोक मत करो, 30 साल तक स्मोकिंग करने के बाद ये कह रहा हूं तो ये सबसे बुरी बात है। अब पठान, जवान और डंकी से बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले शाहरुख खान 2026 में किंग बनकर वापसी करेंगे। इस बार वो अपनी बेटी शोहाना खान के साथ बड़े पर्दे पर पहली बार धमाल मचाएंगे। फिल्म की रिलीज डेट का तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मूवी 2026 की ईद पर आ सकती है। इसके अलावा शाहरुख की आने वाली फिल्मों में टाइगर वर्सेस पठान भी शामिल है, जिसमें वो सलमान खान के साथ नजर आएंगे। ये फिल्म 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। ऐसी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए वाहिया टॉक को सब्सक्राइब करें।